हे गाइस, दिस इज स्पीडटाइगर। आज मैं आप लोगों के साथ एक और वन शॉट कॉमिक बुक लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो भी एक वन शॉट के ऊपर बनाई थी, जो कि इल्यूमिनाटी के ऊपर थी। लेकिन मज़े ये बात यह है कि वो मेरी वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का आया नहीं जितना अच्छा मैंने सोचा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी मेरी इस टाइमलाइन के अंदर, और उसके अंदर मैंने पूरा इल्यूमिनाटी का ओरिजिन शेयर किया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पर ज़रूर आएगा, क्योंकि इस वीडियो का नाम से आपको पता चल गया होगा ये किस बारे में है। आपको हाउस ऑफ एम का इवेंट तो ज़रूर याद होगा, जो कि मैंने अपने चैनल पर काफ़ी टाइम पहले शेयर किया था। हाउस ऑफ एम द डे आफ्टर, यानी कि जब हाउस ऑफ एम का इवेंट हो गया तो उसके बाद म्यूटेंट कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ा, और जो म्यूटेंट जिन्होंने अपनी पावर्स खो दी उनके साथ क्या हुआ, उनका क्या होगा आगे, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वन शॉट के अंदर मिलने वाले हैं। तो मैं इस कॉमिक बुक को जो हूँ आपके साथ ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बल्कि शॉर्ट शॉर्ट करके सिर्फ यही समझाने की कोशिश करूँगा कि इस वन शॉट में असल में हुआ क्या है, ना कि मैं डायलॉग टू डायलॉग आपको हर चीज़ समझाऊँगा जैसा कि मैंने अपनी इल्यूमिनेटी वाली वीडियो में समझाया था। सो गाइस, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइस, चले शुरू करते हैं अपना वन शॉट। तो हम यहाँ से डायरेक्ट शिफ्ट होते हैं अटलांटिक सिटी के अंदर, जहाँ पे हम एक होटल देख रहे हैं जो कि पूरा बुरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है, और वहाँ पे एक आदमी है जो कि उस होटल में रह रहा था, और उसकी अचानक रात में आँख खुलती है, और उससे अचानक जब उठता है तो चला फिरा नहीं जा रहा होता, उसको सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो उस कमरे की लाइट जलाता है तो वो अपने आप को देख के एकदम पागल हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था उसने क्या देख लिया। और दूसरे पल हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं है बल्कि ब्लॉब। ब्लॉब एक ऐसा म्यूटेंट था जो आपको याद होगा कि एक्समैन ओरिजिन मूवी के अंदर भी था, जो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, और वो अपनी इसी पावर की वजह से जाना जाता था। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसा कि उसका म्यूटेशन जो है उसके अंदर से ख़त्म हो गया, तो उसकी जितनी भी स्किन थी जो कि एक्सेस स्किन है वो पूरी उसके जिस्म पर लटक रही है, और उससे नहीं चला फिरा भी नहीं जा रहा, मतलब उसकी पावर्स तो ख़त्म हो गई लेकिन जो उसकी स्किन थी जो फैली हुई थी वो तो अपनी जगह पर ही रहेगी ना। तो ये देख के ब्लॉब एकदम अपने आपे से बाहर हो रहा होता है। और फिर हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं कि होटल के जो मैनेजर वगैरह होते हैं सब यहाँ पर भागते हुए आ रहे होते हैं, और वो पूछता है कि तुमने ब्लॉब नाम के म्यूटेंट को, वो भी जो कि एक टेररिस्ट था, उसको तुमने मेरा कमरा कैसे दिया। और ये वो बात करते हुए सब अंदर घुसते हैं, वहाँ पे पुलिस वगैरह भी रहती है। लेकिन जब वो लोग अंदर घुस के देखते हैं तो ब्लॉब जो है छुरी से लेकर अपने आप को काट रहा होता है, और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा स्किन है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसको काट दो कोई। और वो पुलिस की तरफ बोलता है कि तुम्हारे पास गन है तो प्लीज़ मुझे शूट कर दो, इससे अच्छा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे मार दो। और फिर यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं म्यूटेंट टाउन के अंदर। म्यूटेंट टाउन एक दरअसल ऐसी जगह थी जहाँ पे ज़्यादातर म्यूटेंट्स रहते थे। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ म्यूटेंट रहते थे, यहाँ पे इंसान भी रहते हैं, लेकिन ये है कि यानी कि यहाँ पे म्यूटेंट ज़्यादा रहते थे, तो ये इस टाउन को म्यूटेंट टाउन कहने लग गए ये लोग। और हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बिशॉप खड़ा हुआ है जो कि प्रेस वगैरह से बात कर रहा है, और बिशॉप के पास उसकी पावर्स हैं, उसकी पावर्स नहीं गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद बहुत सारे म्यूटेंट्स थे जिनकी पावर्स चले गई, लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेंट्स थे जिनकी पावर्स उनके पास थी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उससे भी प्रेस वाले यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सब क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिशॉप को भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये सब क्या हुआ है। कोई कह रहा है कि ये टेररिस्ट अटैक है, कोई कह रहा है कि ये म्यूटेंट्स की किस्मत में लिखा हुआ था, कोई कहता है कि बहुत अच्छा हुआ जो हुआ म्यूटेंट्स के साथ। और प्रेस वाले भी लोगों से यही पूछ रहे होते हैं, तो लोगों के भी मुख्तलिफ बयान होते हैं, जैसे कि कुछ म्यूटेंट्स जो होते हैं जिनने अपनी पावर्स खो दी हैं वो खुश होते हैं कि अब वो म्यूटेंट्स नहीं है, वो एक नॉर्मल पर्सन बन गए। लेकिन कहीं पे कुछ म्यूटेंट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमें म्यूटेंट्स रहना ज़्यादा पसंद था, हमें अपनी पावर्स के साथ जीना ज़्यादा अच्छा लगता था। और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ म्यूटेंट्स ख़त्म हो गए, ये लोगों के ऊपर बोझ थे। और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक है और इसकी सिर्फ अभी शुरुआत हुई है। फिर हम यहाँ से पेरिस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक्सकॉर्प नाम की एक बिल्डिंग है, जहाँ पे सारे म्यूटेंट्स वगैरह के अफेयर्स वगैरह चल रहे होते हैं, जितने भी यूरोप के अंदर म्यूटेंट्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी प्रेस वाले पहुँचे हुए हैं, लेकिन इसके बाहर जो है बहुत सारे लोग हंगामा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे रोज़ की बात थी इस इवेंट से पहले भी। लेकिन अब जब ये इवेंट हो गया तो लोगों के दिल में डर पैदा हो गया कि आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, इतने सारे म्यूटेंट्स अचानक कैसे गायब हो सकते हैं, कहीं इनकी कोई चाल तो नहीं है, ये वो तो नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा सा ट्रक घुसता है और वहाँ पर उस पूरी बिल्डिंग के अंदर धमाका हो जाता है। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं साइक्लोप्स, एमा फ्रॉस्ट और हैवॉक वगैरह भी ये न्यूज़ देख रहे हैं जो एक्सकॉर्प के साथ अभी भी हुआ है। और हैवॉक कह रहा है कि तुम मेरी बात मानो ना मानो, ये सिर्फ शुरुआत है, ये देख लेना, ये लोग इसके लिए भी हमारे ऊपर ही ब्लेम करेंगे, हमारे साथ जो हो रहा है उनको इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये सारी जो मिस्टेक्स वगैरह सब हैं ये सब हमारे ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे साइक्लोप जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, क्योंकि हमें पता है चार्ल्स एक्सेवियर नहीं है हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद से, वो मिसिंग है। अब सारी जिम्मेदारी जो कि चार्ल्स एक्सेवियर की हुआ करती थी वो साइक्लोप्स के ऊपर आ गई है, और एम ऑफ रोज उसका इसमें साथ दे रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइक्लोप जितने भी म्यूटेंट्स दुनिया भर में उसके जान पहचान वाले हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि म्यूटेंट्स के हाथों में है, वो सबको बोल रहा है कि तुम सब यहाँ पे आओ, हम सबको तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत है, हमें कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिससे जो म्यूटेंट बचे कुछ हैं हम उनको सेफ एक साथ रख सकें, और जो म्यूटेंट्स अपनी पावर्स खो चुके हैं हम वापसी उनको उनके घर भेज सकें। और हम यहाँ से देखते हैं कि दूसरी तरफ बाहर जो है लोगों के पास पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, वो अपने बच्चों के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि उनके बच्चों के पास पावर्स हैं या नहीं।
तो इसमें से हम यहाँ पे भी यही देख रहे हैं कि ये जो पेरेंट्स हैं अभी भी इनके मिक्स रिएक्शन है, यानी कि इनको कोई अपने बच्चों की फिक्र नहीं है कि वो जिंदा है मर गए, वो सिर्फ ये पूछते हैं कि यहाँ हमारे बच्चे के पास म्यूटेंट है। अगर ये लोग बोलते हैं कि हाँ आपका बच्चा अभी म्यूटेंट है, तो वो फ़ौरन फ़ोन काट के चले जाते हैं। इसको देख के साइकिलो वगैरह एकदम परेशान हो चुके हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। और एमा फ्रॉस्ट कह रही है कि मैंने अभी अभी पूरा एक स्कैन कराया इस इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे पहले तकरीबन 182 म्यूटेंट्स हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 27 म्यूटेंट्स रह गए हैं या फिर उससे भी कम। और हम यहीं पे देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट और जितने भी बच्चे कुछ एक्समैन के जो मेन मेंबर्स हैं, वो सब रूम के अंदर जमा होते हैं और वो सब पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं आखिरकार ये हो क्या रहा है और किन किन म्यूटेंट्स की पावर्स जा चुकी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा म्यूटेंट्स जो थे दुनिया के अंदर ख़त्म हो चुके थे। असल बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ म्यूटेंट्स की पावर्स नहीं गई हैं, बल्कि उनके अंदर जो जीन था, यानी कि जो इनके डीएनए के अंदर जो चीज़ थी जिसकी वजह से वो म्यूटेंट बनते थे, वही चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मतलब अब इन लोगों के कोई चांस ही नहीं है कि वो कभी इस दुनिया के अंदर कोई म्यूटेंट पैदा भी हो पाएगा। और ये ज़रूरी बात नहीं है कि हो सकता है कि दो म्यूटेंट शादी करें तो उनका बच्चा म्यूटेंट ही पैदा हो, ऐसा हर वक्त नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि दो म्यूटेंट जब शादी करते हैं तो उनका बच्चा सिर्फ नॉर्मल इंसान पैदा होता है। तो यहाँ पे तकरीबन म्यूटेंट रेस एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब जितने भी बचे हैं तकरीबन ये 192 या 198 म्यूटेंट्स बचे हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो ये टाइम इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और एक तरह से देखा जाए जो लोग इनके दुश्मन वगैरह थे उनके लिए सबसे ज़बरदस्त मौका था इनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि म्यूटेंट्स के खिलाफ हमेशा से कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। फिर हम इसके बाद शिफ्ट होते हैं पेंटागन के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं सीक्रेट सर्विस चल रही है अंदर, जो कि अभी अभी चालू कर दी गई है। इसका नाम है ऑफिस ऑफ नेशनल एमरजेंसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने वन कहा है। और हम यहीं पे देख रहे हैं कि वो एक लेडी है जो कि यहाँ पे आती है, जिसका नाम वैलरी कूपर है, और वो यहाँ पे सीधा प्रेसिडेंट के अंदर काम करती थी और यहाँ पे आई है और पूछती है कि मेरी इजाज़त के बगैर ये ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ। तो वहाँ पे जो उसका हेड होता है वो बोलता है कि तुम्हारी परमिशन गई भाड़ में, क्योंकि हमें सीधा ऑर्डर्स मिले मिस्टर प्रेसिडेंट से। उनको जैसे ये सारा कुछ पता चला, उन्होंने फौरन से मुझे ऑर्डर दिया कि इसको एक्टिवेट कर दिया जाए। और इस तरह हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बहस चढ़ जाती है, लेकिन वो जो सेक्रेटरी होता है जो ये सब चला रहा होता है बोलता है कि अभी अभी हमारे सामने पूरी म्यूटेंट कम्युनिटी जो है ख़त्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। अब हम लोगों के पास जो है और भी बहुत सारे रीजंस हैं परेशान होने के, तो मैं यहाँ पे तुमसे बहस करके अपना टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ खड़ी हो सकती हो और इस नेशनल एमरजेंसी का हिस्सा बन सकती हो, लेकिन अगर तुम हमारे साथ नहीं खड़ा होना चाहती तो गेट सामने है, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर हम यहाँ से दोबारा म्यूटेंट टाउन में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बिशॉप को एक खबर मिलती है पुलिस के जरिए कि एक कमरे के अंदर एक म्यूटेंट है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है और वो वहाँ से चीखने चिल्लाने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। तो बिशॉप जो है पुलिस वाले के साथ जाके देखता है अंदर, तो पता चलता है वहाँ पे एक म्यूटेंट है जिसके चारों तरफ जो है कीड़े हैं। और हमें पता चलता है कि ये एक म्यूटेंट ऐसी थी जिसकी पावर्स यही थी कि जब तक वो कीड़े नहीं खाएगी वो जिंदा नहीं रह सकती है, लेकिन क्योंकि अब उसके अंदर से उसका म्यूटेंट जीन ख़त्म हो गया है तो अब वो कीड़े जो हैं इसकी तरफ आ रहे हैं इसको मारने के लिए। और हम देख रहे हैं कि वो अपने चारों तरफ जो है कीड़ों से घिरी हुई है और बोल रही है कि मैं इनको शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये आए जा रहे हैं मुझे खाने के लिए, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब खाली आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग बेचारे म्यूटेंट्स हुआ करते थे इनकी पावर बहुत अजीब सी हुआ करती थी, जब अचानक उनकी पावर इस तरह चले जाएँ तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। हमें बस यहाँ पर यही दिखाने की इन्होंने कोशिश करी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइक्लॉप्स जो है मल्टीपल मैन से बात कर रहा है, यानी कि जो अपने बहुत सारे डुप्लीकेट्स बनाता था, आपको याद होगा एक्समैन मूवीज़ के अंदर हमने इसको भी देखा है। तो यहाँ पर साइक्लॉप बोल रहा है कि तुम अपनी टीम को लेके फौरन मेरे पास पहुँच जाओ, हम तुम्हारे मल्टीपल्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को इधर उधर ले जाने में, उनको संभालने में। लेकिन वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पर भी बहुत सारे म्यूटेंट्स अपनी पावर्स खो चुके हैं, तो हमें उनको भी संभालना है। और मेरे ख्याल से तुम्हारे पास पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिनके साथ तुम वो काम कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल मैन जो है सीधे सीधे साइक्लॉप्स को मना कर देता है कि वो उसके पास नहीं आ सकता, उसके पास और भी बहुत सारे काम हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे म्यूटेंट्स पावर्स खो चुके हैं, तो वो उनको संभालेगा। तो साइक्लॉप बोलता है कि ठीक है, लेकिन जेमी बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ फ़ोन करना है। और हम देखते हैं साइक्लॉप्स और नाइट क्रॉलर जो है बातें कर रहे होते हैं। नाइट क्रॉलर जो है उसको कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे हुआ क्या है। बोलता है कि रेचल से मैंने सुना है कि यह किसी किस्म की कोई केओस वेव वगैरह है और यहाँ पे ये जो हो रहा है ये हमारे एक्समैन नॉर्मल ऑपरेशन से कुछ ज़्यादा ही है। तो साइक्लॉप एकदम अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि वांडा तुमने आखिरकार ये क्या कर दिया। तो वो बोलता है एकदम कर्ट कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि हमें यहाँ से ये पता चलता है कि बाकी जो कुछ एक्समैन हैं उनको नहीं पता कि हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ भी है, क्योंकि हमें पता है कि हाउस ऑफ एम के इवेंट के टाइम पर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वांडा के सामने, सिर्फ उन्हीं को ये इवेंट के बारे में याद है, बाकी किसी को इस तरह की कोई मेमोरी नहीं है कि हाउस ऑफ एम का कोई इवेंट भी हुआ था। तो साइक्लॉप यहाँ पर वो छुपाने की कोशिश कर रहा होता है कि हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ है, और बोलता है कि तुम जाके जो लोगों को इधर से उधर ले जाने में उसकी मदद करवाओ, और बोलता है कि तुम कैप्टन ब्रिटेन के पास जाओ और उनकी मदद लेने की कोशिश करो इंग्लैंड में, क्योंकि यूरोप के अंदर जो म्यूटेंट्स हैं उनके हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैं। तो बोलता है कि ठीक है, मैं साइलॉक को भी अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि इस तरह के जो हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ अकेले जाना चाहिए। और वो जाता है पूछता है कि स्कॉट प्रोफेसर एक्जेवियर के बारे में बताओ, क्या उनके बारे में कुछ भी हमें नहीं पता चला। तो स्कॉट बोलता है कि नहीं, हम उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एमा जो है सेलिब्रा का इस्तेमाल कर रही है लेकिन उसको अभी तक कुछ भी पता नहीं चला।
फिर हम यहाँ से लंदन में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उनका सीक्रेट हेडक्वार्टर MI-13 का होता है, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे कैप्टन ब्रिटेन की फोर्स काम करती है। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वो अपनी कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में वो जो म्यूटेंट्स उन्होंने भेजे थे वो उनसे यहाँ मदद मांगने के लिए आते हैं, और बस बेसिकली उनको यही बोलते हैं कि हमें यहाँ के जो म्यूटेंट्स के साथ हो रहा है उसमें आपकी मदद चाहिए, आपकी ब्रिटेन कॉर्प जो है उसकी मदद चाहिए। तो बस यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, सिर्फ इतना ही बताया गया है, तो मैं इसको आपके साथ ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। फिर हम यहाँ से एक सिक्योर और सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट होते हैं जो कि वन का हेड क्वार्टर है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था एक एजेंसी है जो कि अभी अभी बिल्कुल स्टार्ट करी गई है प्रेसिडेंट के डायरेक्ट ऑर्डर से, जिसका नाम है ऑफिस ऑफ नेशनल एमरजेंसी। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो किसी किस्म की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, और हमें यहाँ पर कुछ पता ऐसा लग रहा है कि ये किसी किस्म की कोई फोर्स बना रहे हैं म्यूटेंट्स के खिलाफ, या फिर म्यूटेंट्स पर नज़र रखने के लिए जो कि अब बचे कुचे म्यूटेंट्स हैं। और इनको ये सीधे ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट से मिले हैं, यहाँ पर और कोई शामिल नहीं है। तो ये लोग सेंटिनल्स प्रोग्राम जो है दोबारा से बेसिकली शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब जो बचे कुचे म्यूटेंट रह गए हैं ये उन पर नज़र रखना चाह रहे हैं कि अब जो बचे कुचे म्यूटेंट्स हैं वो एक बैलेंस में रहें, उनके साथ कोई ज्यादती ना हो या फिर वो कोई हमारे साथ गलत कदम ना उठा लें इस जज्बात में आगे। फिर दोबारा हम एक्सेवियर इंस्टीट्यूट में शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देख रहे हैं कि बीस्ट जो कि हेनरी मैकॉय जो है वो एक साइंटिस्ट होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, यानी कि वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है ये सब हो क्यों रहा है, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर वजह तो होगी या फिर इसका हल होगा कोई ना कोई कि जिसकी वजह से सब ठीक हो सके। और हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपनी रिसर्च वगैरह में, और वो जितने लोगों से हो सकता है बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बार हम देखते हैं कि साइक्लॉप जो है स्टॉर्म से बात करता है, क्योंकि स्टॉर्म जो है इस वक्त अफ्रीका के अंदर है, और वो बोलता है कि तुम अफ्रीका से कितने टाइम में यहाँ पर वापसी आ जाओगी हमारे साथ। तो बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अफ्रीका के अंदर भी हालात कुछ ज़्यादा खतरनाक हैं, ये जो इवेंट हुआ है ये पूरे ग्लोब के अंदर हुआ है, ये सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं हुआ या फिर तुम्हारे इंस्टीट्यूट के साथ नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ वहीं पर रहना चाहिए। तो साइक्लॉप्स बोलता है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि जितने भी म्यूटेंट्स हैं सब हमारे साथ रहें, मतलब दुनिया में जितने बच्चे कुछ म्यूटेंट्स हैं हम उनको सबको एक साथ रखें और उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। तो स्टॉर्म बोलती है कि मुझे माफ़ करना स्कॉट, लेकिन मुझे लगता है कि ये आइडिया बिल्कुल बेकार है, ये एक सेल्फिश आइडिया है, तुम चाहते हो कि सारे म्यूटेंट्स एक जगह एक साथ रहें और इस तरह वो जो है किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट बन सकते हैं, मतलब जो लोग हमारे खिलाफ हैं उनको मौका मिल जाएगा सारे म्यूटेंट्स को एक ही दफ़ा में ख़त्म करने का, तो मुझे ही नहीं लगता कि हमें सारे म्यूटेंट्स को एक साथ रखना चाहिए। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ ये रिस्क है, लेकिन मैंने इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है और मुझे लगता है कि हमारे लिए यही बेहतर है। तो स्टॉर्म बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी इस बात से डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि अगर तुम कह रहे हो कि इस दुनिया में सिर्फ कुछ हैंडफुल एक्समैन रह गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनको एक बंकर के अंदर रख देना चाहिए और वेट करना चाहिए किसी क्राइसिस का कि वो तुम्हारी तरफ आए चल के। तो साइक्लॉप बोलता है कि ये मेरी कॉल है, मेरा फैसला यही है, जो मुझे सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। तो स्टॉर्म बोलती है कि तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, वैसे भी तुम्हारी टीम को उस वक्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अभी अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ और मैं वहीं पर रहूँगी, लेकिन याद रखना कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ। फिर हम यहाँ से कैलिफोर्निया के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम बेसिकली जुबली की तरफ शिफ्ट होते हैं जो कि एक म्यूटेंट थी, और हम देखते हैं कि वो अपनी कहानी बता रही थी कि किस तरह वो हंसी मजाक और खेल कूद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अचानक कुछ हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से उसकी पावर्स टोटली जो है बिल्कुल बंद हो गई हैं, अब उसके पास कुछ भी नहीं है मज़े करने के लिए। तो ये देख रहे हैं हम बेसिकली जुबली भी अब खामोश बैठ गई है, वो अपनी पावर्स को याद करने की कोशिश कर रही है और बोलती है कि हो सकता है कि मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करूं और पता लगाऊं ये हो सब क्या रहा है। तो हम देखते हैं अपने मोबाइल में लोगों का नंबर मिला रही होती है, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और बस वो अफसोस में बैठ जाती है। फिर बेसिकली हम दोबारा एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के बाहर की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिन बच्चों की पावर्स चले गई हैं उनको एक्सेवियर स्कूल से बाहर निकाल दिया जा रहा है, उनके पेरेंट्स के साथ घर भेज दिया जा रहा है, और बहुत सारे बच्चे खुश नहीं हैं, वो बोल रहे हैं कि ये हमारी टीचर्स की जिम्मेदारी थी हमारा ख्याल रखना, ऐसा थोड़ी ना कि अब हमारी पावर्स ख़त्म हो गई हैं तो हमें यहाँ से निकाल दिया जाए। तो उनके पेरेंट्स भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि इनके पेरेंट्स शुरू से ऐसे ही थे कि वो अपने बच्चों को म्यूटेंट्स देखना पसंद नहीं करते थे, तो अब उनकी पावर्स चली गई हैं तो वो खुशी खुशी अपने बच्चों को घर ले जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। और हम देखते हैं कि लोगन खड़ा होकर सारी चीज़ें देख रहा होता है, और वहीं पर हम देखते हैं पीछे जो है क्लॉसस भी आगे उससे बात करने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये सब जो हो रहा है कैसा अजीब सा हो रहा है, हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा भी। तो लोगन बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी भी नहीं सोचा था, मतलब ये इतना ज़्यादा खतरनाक है, आज तक हम एपोकलिप्स मैग्नीटो सिनिस्टर और सबलाइन और कैसेंड्रा नोवा जैसे विलन से भी लड़े हैं, लेकिन इतना बुरा आज तक कभी भी हमारे साथ नहीं हुआ जितना बुरा अब हमारे साथ हो रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कभी हमारे ऊपर ऐसा दिन आएगा कि हम लोग इतने मिस्ट्री के अंदर घुस जाएंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन इस सब में एक बात तो ज़रूर है कि मैंने हमेशा से अपनी मेमोरीज वापसी मांगी थी, मैं जानना चाहता था मेरी ज़िंदगी की सच क्या हुआ है, और अब सब कुछ मेरे पास वापसी आ चुका है, मुझे अपनी सारी मेमोरीज याद आ गई हैं। तो क्लॉसस बोलता है कि हाँ हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, कभी कभार ये हमारे ऊपर भारी भी पड़ सकता है। और वो बोलता है कि बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हारा स्केच नहीं बनाया। तो लोगन बोलता है कि नहीं अभी नहीं बब, कभी और किसी और दिन। तो क्लॉसस बोलता है कि मैं बियर साथ लेकर आया हूँ। तो ये सुन के लोगन फौरन बैठ जाता है और क्लॉसस जो उसका स्केच वगैरह बना रहा होता है।
और हम देखते हैं कि क्लॉसस भी इसी बात पे वो गुस्सा हुआ हुआ है कि अक्सर जब भी हम फाइट के अंदर हारते हैं तो हमारे सामने कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से हम हारते हैं, लेकिन इस बार ये एक फाइट ऐसी है जहाँ पे हमें पता ही नहीं कि हमें हराया किसने है। मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मुझे कुछ चाहिए जिसको मैं जाके पंच कर सकूँ और अपनी भड़ास निकाल सकूँ, मैं उसके साथ आर्ग्यू कर सकूँ, लेकिन यहाँ पे जो हमारे साथ हो रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसने हमें मुकम्मल तौर पे बर्बाद करके रख दिया है। हम लोग अब कहीं के नहीं रहे, हम लोग दुनिया के अंदर सिर्फ कुछ चंद लोग रह गए हैं। और इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है गन फायर की आवाज़ उनको सुनाई देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो म्यूटेंट्स अजीब अजीब दुनिया भर के वो इंस्टीट्यूट की तरफ आ रहे होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ म्यूटेंट्स होते हैं अजीब अजीब पावर्स के साथ, वो यहाँ पे भागते हुए इनकी तरफ आ रहे होते हैं, मतलब वो इंस्टीट्यूट की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे जो है बहुत सारे लोग पड़े हुए होते हैं। और हमें पता चलता है कि ये लोग जो हैं इन म्यूटेंट्स के ख़िलाफ़ हैं, मतलब ये इन म्यूटेंट्स को जो है बहुत बुरा समझते हैं, और यानी कि एक ये मिशन पर निकली हुई इनकी पूरी टीम कि जितने भी म्यूटेंट्स हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे, उनको मार देंगे। तो इन्होंने अपनी लीग का नाम दिया है कि द सेपियन लीग, मतलब ये इन लोगों को ख़त्म करने के लिए निकले हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग जो है उन तीन म्यूटेंट्स को बांध देते हैं और उनको जला रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे तुम घुसने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लोगन और क्लॉसस खड़े हुए होते हैं, और लोगन बोलता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा बब कि तुम लोग यहाँ से फौरन निकल जाओ, लेकिन हम देखते हैं उनमें से एक जो होता है बोलता है कि इन म्यूटेंट्स को भी मार दो, ये भी म्यूटेंट्स हैं। और हम देखते हैं कि वो जो है गोलियाँ चलाना शुरू करते हैं, लेकिन क्लॉसस की स्किन के ऊपर वो उनकी गोलियाँ कोई असर नहीं कर रही होती हैं, और इसी तरह वुल्वरीन की भी, लेकिन उनमें से एक आदमी जो है वुल्वरीन को एक टेज़र से शॉट करता है, और वुल्वरीन बोलता है कि ये टेज़र तो कुछ अलग है, ये तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये एक चार्जिंग राइनो को भी ठंडा कर सकता है, लेकिन मेरा हीलिंग फैक्टर इसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मसला ये कि इससे मुझे जलन बहुत हो रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन और क्लॉसस जो हैं उन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं, और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, और क्लॉसस उन म्यूटेंट को उठा के दोबारा एक्सेवियर के इंस्टीट्यूट में ले आता है। और हम देखते हैं वुल्वरीन वहाँ से जा रहा होता है, तो क्लॉसस पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो वुल्वरीन, हमें इन विक्टम्स को लेके डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, देखना चाहिए इनको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी। तो लोगन चिल्लाते बोलता है कि वो मॉन्स्टर अपने आपको सेपियन लीग बुला रहे हैं, मुझे जानना है, मुझे और पता लगाना है उनके बारे में। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि ऊपर से आवाज़ आती है कि एक्स मैन स्टैंड डाउन, और हम ये देखते हैं वुल्वरीन चीखता है कि क्लॉसस देखो जरा। और इस तरह हम देखते हैं एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े सेंटिनल्स आके खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारा वन शॉट ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी वन शॉट की, मतलब हाउस ऑफ एम के बाद जो इवेंट्स हुए हैं उसको एक नाम दिया गया था जिसका नाम था डेसिमेशन, और इस इवेंट के अंदर बहुत सारे कॉमिक्स थे, तकरीबन 100 या 150 कॉमिक्स थे जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि आगे आगे इन म्यूटेंट के साथ हुआ क्या है, और कुछ म्यूटेंट जो इस जगह में नहीं है उनके साथ क्या हुआ है। तो मैं बेसिकली सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर समझा देता हूँ कि आगे जाके होगा ये कि ये जो सेंटिनल्स है ये 24 घंटे जो है एक्सेवियर इंस्टीट्यूट पर खड़े रहेंगे, मतलब एक तरह से वो नज़र रखेंगे कि ये म्यूटेंट्स को गलत काम तो नहीं कर रहे, और एक तरह से वो म्यूटेंट्स की सेफ्टी भी करेंगे क्योंकि इस दुनिया के अंदर सिर्फ 198 म्यूटेंट्स रह गए हैं, तो अब उनको इन म्यूटेंट्स को बचाना है। तो बेसिकली अब जो वन जो एक प्रोग्राम था उसका काम ही यही है कि वो इन सारे लोगों पर नज़र रखेंगे। और ये इवेंट जो है बस समझ लीजिए कि कुछ दिन पहले ही हुआ था सिविल वॉर के मेन इवेंट से पहले, तो इसी वजह से आपने जो है सिविल वॉर के इवेंट में किसी एक्समैन को पार्ट लेते हुए नहीं देखा था, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे टोनी स्टार्क जो था एमा फ्रॉस्ट के पास गया था उसके इंस्टीट्यूट पे, और उसने मदद मांगी थी और तुम लोग जो हमारे साथ हो जाओ और इस रजिस्ट्रेशन एक्ट को सपोर्ट करो, तो एमा फ्रॉस्ट साफ साफ मना कर देती है क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ 198 म्यूटेंट्स ही रह गए हैं, तो वो अपने किसी भी म्यूटेंट को दाव पर लगाना नहीं चाहती थी, और यही एक वजह थी जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था वो म्यूटेंट्स के ऊपर लागू नहीं किया गया था, क्योंकि वो पहले इस दुनिया में इतने कम रह गए हैं और तकरीबन उनके बारे में जो है गवर्नमेंट को सब कुछ अब पता था, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है म्यूटेंट्स के ऊपर नहीं लगाया गया था, सिर्फ जो नॉन म्यूटेंट सुपर पावर लोग हैं उनके ऊपर लगाया गया था। डेसिमेशन के इवेंट के अंदर बहुत सारे कॉमिक्स हैं जैसे सन ऑफ एम, इसके अंदर हम देखेंगे क्विक सिल्वर के साथ क्या हुआ, लेकिन वो सारे इवेंट मैं आप लोग के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा ज़रूरी इवेंट्स नहीं है। लेकिन इस डेसिमेशन के अंदर एक इवेंट है जिसका नाम है एक्स मैन डेडली जेनेसिस, जिसके अंदर हमें चार्ल्स एक्सवियर की मिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि वो आखिरकार हैं कहाँ, और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल करेक्टर को हम देखेंगे मार्वल यूनिवर्स के अंदर जो है इस कॉमिक्स में अपियर होते हुए फर्स्ट टाइम। सो गाइज, मैं आपसे कहूँगा कि वो मैं कॉमिक बुक कुछ ही दिन में शेयर करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये हाउस ऑफ एम के इवेंट और उसके बाद जो सब कुछ म्यूटेंट के साथ हो रहा है। मेरे ख्याल से तो ये इवेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, इसके ज़रिए मार्वल ने अपना एक बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी की बनाई है, और जो बहुत सारे म्यूटेंट्स हो गए थे इस दुनिया के अंदर उन सबको रिड्यूस करके सिर्फ कुछ म्यूटेंट्स को रखा है। तो मेरे ख्याल से ये एक सॉफ्ट रिव्यू था उन म्यूटेंट्स के लिए। तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।